भीड़भाड़ वाली तंग गलियों वाला नई दिल्ली शहर जो प्राचीन और नए भारत का प्रतीक है, इस प्राचीन शहर की मनोवृत्ति है। दिल्ली भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गवाह रही है, इसने वैभव और आपदाएं देखी हैं और इसमें अनेक संस्कृतियों को समाहित कर सकने की क्षमता है। फिर भी ये शहर अधिक है, ये वो हीरा है। इसके कई फलक हैं, कुछ चमकीले हैं और कुछ समय के साथ मैले और धुंधले पड़ चुके हैं, जो प्राचीन समय से भारतीय जीवन शैली और विचारों को प्रदर्शित करते आ रहे हैं। दिल्ली शहर में हमें भारत में हुआ कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों रूप देखने को मिला है। जहां अनेक सम्राटों की कब्रें हैं और एक गणराज्य की नर्सरी है, यहां हर कदम पर हमारे इतिहास की सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपराएं हैं और हमारी आंखों के सामने से गुजरने वाला असंख्य पीढ़ियों का कारवां है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण भवन जैसे स्मारक, मस्जिद, मकबरा, किला, विजय स्तंभ मौजूद है। ऐसे ही दिल्ली के मशहूर स्मारक की बात करेंगे, जिसे हम राजघाट के नाम से जानते हैं। यह स्मारक भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। इस स्मारक को बिरला हाउस में गांधी जी की हत्या के बाद बनाया गया था। पहले यमुना नदी के तट पर एक प्राचीन घाट को राजघाट कहा जाता था। राजघाट मुख्य रूप से 12 फीट चौकोर मंच है, जिसका निर्माण काले संगमरमर से किया गया है। यह मंच उस जगह का प्रतिनिधित्व करता है जहां महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तभी से इस स्थान पर भारतीय और विदेशी लोग राष्ट्रपिता को सम्मान देने के लिए आते हैं। जो भी पर्यटन राजघाट की यात्रा करते हैं, उन्हें यहां प्रवेश करने से पहले अपने जूते को उतारना अनिवार्य होता है। महात्मा गांधी का स्मारक होने के साथ ही राजघाट गांधी जी के शानदार जीवन को भी प्रस्तुत करता है। गांधी जी के दर्शन को राजघाट स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में चित्र, मूर्तिकला और तस्वीरों के माध्यम से पेश किया गया है। यहाँ पर उनके जीवन को और सर्वोदय आंदोलन को भी फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है। राजघाट यमुना नदी के काफी करीब स्थित है, इसे एक ऐतिहासिक घाट के रूप में जाना जाता था। यहाँ राजघाट गेट नदी के राजघाट ओर खोला गया है और इस पूरे क्षेत्र को राजघाट के रूप में जाना जाने लगा है। इस जगह पर महात्मा गांधी की हत्या के एक दिन बाद 21 जनवरी 1948 को उनका अंतिम संस्कार किया गया था। राजघाट में स्थित स्मारक एक काले संगमरमर की संरचना है जो जमीन पर उठाया गया है और महात्मा गांधी हे राम द्वारा कहे गए अंतिम शब्दों को उद्घृत करता है। यहाँ स्मारक के ऊपर एक दीपक में लौ जलती रहती है। इस स्मारक का डिजाइन की परिकल्पना वनू जी भुट्टा ने की थी और यह गांधी जी की सरल जीवन शैली का प्रतिबिंब है। इस जगह पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, हो ची मिन्ह और कई अन्य लोगों द्वारा लगाए गए पेड़ों से घिरा एक सुंदर पार्क है। राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय राजघाट के परिसर में एक संग्रहालय है जो राष्ट्रपिता को समर्पित है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद कलेक्टरों ने उनसे संबंधित सभी कलाकृतियों की तलाश शुरू की। इन कलाकृतियों को एकत्र करके पहले मुंबई ले जाया गया, जहां से उन्हें 1951 में कोटा हाउस ले जाया गया और फिर 1957 में हवेली ले जाया गया। इसके बाद 1959 में उनके स्मारक के बगल में राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय खोला गया, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। गांधी संग्रहालय में एक पुस्तकालय है जहां पर कई अध्ययन सामग्री रखी गई है। बता दें कि पुस्तकालय को दो वर्गों में विभाजित है, जिसमें से एक पूरी तरह से महात्मा गांधी पर केंद्रित है और दूसरे में अन्य कई विषयों से संबंधित पुस्तक रखी गई हैं। गांधी संग्रहालय में एक पुस्तकालय है जहां पर कई अध्ययन
सामग्री रखी गई है। बता दें कि पुस्तकालय को दो वर्गों में विभाजित है, जिसमें से एक पूरी तरह से महात्मा गांधी पर केंद्रित है और दूसरे में अन्य कई विषयों से संबंधित पुस्तक रखी गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में इस संग्रहालय के पुस्तकालय में 35,000 से अधिक पुस्तकें रखी गई हैं। पुस्तकालय में गांधी के जीवन को दर्शाने वाली 2,000 पत्रिकाओं का संग्रह भी देखा जा सकता है। इन सभी के अलावा संग्रहालय की एक गैलरी में उनकी व्यक्तिगत कलाकृतियाँ, पेंटिंग, छड़ी, शॉल, धोती और जिस गोली से उनकी हत्या की गई थी वह गोली भी प्रदर्शित की गई है। राजा राम पतित पा।